नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल ऑटो गैजेट्स राय में। आशा करता हूँ आपको हमारे पहले वाले वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटे को दबाना ना भूलिएगा, प्लस लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है और नए वीडियो लाने में मदद मिलती है। तो आज क्या लिखे हैं? आज आपके लेके आए डेली डोज, यानी के लीजिए लेटेस्ट न्यूज, और आशा करेंगे कि आपको ये न्यूज पसंद आएगी। तो देखते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले डोज हमारे को मिला व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप बिजनेस मार्केट में आ चुका है और अब इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और इसकी साइज है सिर्फ 34 MB। यहाँ पे इसको 4.4 स्टार भी मिल चुके हैं, और अब यहाँ पर जो बिजनेस करने वाले हैं अब वो अपने कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या चाहिए वो ऑर्डर ले सकते हैं। और पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर कोई कस्टमर आपको किसी चीज के बारे में पूछता है या उनको ऑर्डर चाहिए और आप उसको रिप्लाई देने में लेट हो जाते हैं, तो वहां पे अब व्हाट्सएप आपसे चार्ज लेगा। तो ये देखना है, अभी कंफर्म नहीं है, ये न्यूज आई है। परंतु व्हाट्सएप ने एक चीज को कंफर्म किया है कि यहाँ पर कुछ चैट्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा, और कितना पे करना पड़ेगा इसका अभी रेट बाहर नहीं निकाली है। तो देखना है इसकी क्या रेट होती है। और व्हाट्सएप बिजनेस से लोगों के जो रिव्यू आए हैं प्ले स्टोर पर, उससे लगता है कि वो खुश हैं और उनको यहाँ पे जो UI है वो बहुत पसंद आया है। तो व्हाट्सएप बिजनेस आ चुका है, अगर बिजनेस है तो आप बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस का यूज ले सकते हैं और आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस बहुत अच्छी चीज है, और देखना है इसके अंदर हमारे को आने वाले टाइम में और क्या फीचर्स देखते हैं और क्या हमारे को पे करने का मिलेगा ऑप्शन। बात करें अगली न्यूज की, तो अगली न्यूज आ रही है एप्पल की। एप्पल के लीक बहुत आ रहे हैं, और आप देखते हैं हमारे हर एक वीडियो में एप्पल की बात होती होती है। यहाँ पे भी सेम टू सेम हुआ है। यहाँ पे एक वीडियो सामने आया है जहां पर बताया गया है कि एक डमी मॉडल्स हैं, उसके अंदर आपको आईफोन एक्स और आईफोन एक्स प्लस को दिखाया जा रहा है, यानी 6.5 इंच के डिस्प्ले वाले आईफोन एक्स प्लस को यहाँ दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है पीछे आपको ड्यूल कैमरा मिलेगा, और ये लीक्स कंफर्म कर रहे हैं कि एप्पल कुछ ऐसा आईफोन एक्स प्लस जैसा लाने वाला है और ये हमारे को जल्द ही देखने को मिलेगा। इवन ग्लास को तो सब जानते ही हैं, और इनकी नजर बिल्कुल डटी रहती है हर लीक के ऊपर, और ऐसा इन्होंने वापस से किया है। इन्होंने एक और लीक किया है और वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 का, जो कि 9 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। उससे पहले इन्होंने एक और लीक किया है, और ये लीक हुआ है सैमसंग की ही तरफ से, और इसे कैच किया है इवन ग्लास ने। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये पेज था, इसकी फोटो रिलीज हो गई है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से इस बार नोट 9 मिलने वाला है, और साथ ही साथ जो नया पेन है वो किस प्रकार से मिलेगा। बात करें अगली न्यूज की, तो अगली न्यूज आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल का जो मैप है आप एंड्रॉइड में भी यूज करते हैं, अब उसके अंदर एक नया फीचर आया, ये है बैटरी का, यानी जो नया अपडेट आया है उसके अंदर अब आपको बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। यानी अगर आप अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं अपनी लोकेशन, तो वहां पर आपको दोस्त को आपकी बैटरी लेवल दिखाएगा कि भैया आपके आपका जो दोस्त है उसकी बैटरी लेवल ये है, तो वो आपको हर टाइम फॉलो करता रहेगा। अगर आपका फोन डेड होने वाला है तो हो सकता है कि वो आपकी सेफ्टी के लिए आ जाए। तो बात करें अगली डोज की, तो अगला डोज मिला हमारे को टाटा मोटर्स के लीक से। टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपने H5X कॉन्सेप्ट का नाम रिवील किया था, और इसका नाम रखा था हैरियर, जिसके हमने फोटो डाले थे और वीडियो भी बना के यूट्यूब पे डाले थे हमारे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं, ऊपर बटन दिख रहा होगा वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर लुक हमारे को बड़े ही लाजवाब लगे थे। जो अब लीक्स और सामने आ रहे हैं वहां पे आप देखेंगे ऊपर फोटो में, यहाँ पे आपको जो स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है वो बड़ा ही गजब का होने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन्स मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायल बटन मिल रहा है, और वहां पर आप देखेंगे कि ये जो डायल बटन है ये है जेगुआर लैंड रोवर की तरफ से, यानी जो जेगुआर लैंड रोवर के अंदर यूज होता है ऑफ रोडिंग के लिए, वही डायल आपको यहाँ मिल रहा है। तो इजीली आप ऑफ रोड जा सकते हैं इस बटन को यूज करके, तो ये बहुत ही लाजवाब होने वाला है।
तो यहाँ पे एक और चीज बोली जा रही थी कि यहाँ पे आपको मिलेगा जीप का 9 ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, और अब यहाँ न्यूज आ रही है कि आपको यहाँ मिलेगा 6 स्पीड 80 गियरबॉक्स। तो देखना है कौन सा होता है, क्योंकि हाल ही में जो टेस्टिंग हुई है पुणे के अंदर उससे मालूम पड़ा है कि यहाँ 6 स्पीड 80 यूज किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या हमारे को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो बात करें अगले डोज की, तो अगला डोज हमारे को मिला है मारुति के लीक से। एक अभी हाल ही में लीक हुआ है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ आपको मारुति सुजुकी सीएस का नया लुक मिलने वाला है। बैक में आपको कुछ एलईडी टेल लैंप मिलेगी और पीछे ऐसा कुछ खास चेंज नहीं किया है, परंतु फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको नया ग्रिल मिल रही है। ओवरऑल यहाँ पे आपको फ्रंट में थोड़ा नया डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। प्लस अब यहाँ पे एक और बोला जा रहा है कि अगस्त 20 को ये लॉन्च होने वाली है और वहां पे हम देखेंगे कि हाँ हमारे को और क्या फ्यूचर मिलते हैं। बात करें अगली न्यूज की, तो अगली न्यूज आ रही है अभी आधार की तरफ से एक नई न्यूज आई है कि अब आप अपना एड्रेस जो है उसे चेंज कर सकते हैं और एक पिन के द्वारा आपको ये चेंज हो जाएगा। यानी जैसे हम मान लीजिए आप कहीं जॉब पे हैं और आप कहीं रेंट पे रहते हैं और आपको अपना आधार का एड्रेस चेंज करवाना है, तो क्या करना होगा कि जैसे गूगल एडसेंस का आपको पिन आता है ना, सीक्रेट पिन आता है, वैसे ही एक पिन ये दिलवाएंगे और वहां पे आपको ये पिन डालना होगा और आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो आधार की तरफ से ये अच्छी न्यूज आई है और बहुत सिंपल है, क्योंकि पहले बहुत सारे झमेले थे। आपको अगर एड्रेस चेंज करना होता था तो फॉर्म भरो, फिर आपको अपनी आईडी देनी पड़ती थी और सारा करना पड़ता था। पर अब यहाँ पे ये जो नया ऑप्शन लेके आए ये बहुत अच्छा है और बोला जा रहा है जनवरी की 1st से ये स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल के 1st में, यानी 2019 के अप्रैल के 1st से ये सर्विस लागू हो जाएगी और अप्रैल 1st से आप इसे यूज कर सकेंगे। तो अब बात करें अगली न्यूज की, तो अगली न्यूज आ रही है नोकिया की तरफ से। नोकिया का 6.1 लॉन्च हुआ था, अब 6.1 प्लस का नोकिया ने खुद ने टीजर निकाला है और यहाँ पे बोला है कि आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं हमारे इवेंट के लिए, और वहां पर उन्होंने एक कैंपेन चलाया तो आप वहां पार्टिसिपेट लेंगे। तो अगर आप विनर रहे तो आपको लाइव आप देख सकते हैं अनवीलिंग 6.1 प्लस की। प्लस यहाँ फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ हम फ्यूचर को अभी कुछ कह नहीं सकते क्या आने वाला है, परंतु यहाँ पर जल्दी ये लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर और देखते हैं क्या 6.1 प्लस के अंदर हमारे को देखने को मिलता है। तो बात करें फाइनल डोज की, तो फाइनल डोज मिला है हमारे को बड़ा ही गजब, और ये है बाहुबली से रिलेटेड। नेटफ्लिक्स लेके आ रहा है आपके लिए बाहुबली बिफोर द बिगनिंग, यानी द बिगनिंग के पहले, उसके पहले की स्टोरी लेके आ रहा है। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने कहा है कि इन्होंने ऑर्डर किए हैं 2 सीजन, यानी यहाँ 2 सीजन में मिलेगा। पहले सीजन में नो बोला जा रहा है और दूसरे में भी हमारे को लगता है वित्ते का वित्ते ही मिलने वाला है। यहाँ पर बात होगी शिवगामी की, वहां पे उनकी कैसी जिंदगी रही और वो कैसे यहां तक पहुंची। तो नेटफ्लिक्स ने कहा है वो वर्क कर रहा है आर्का मीडिया वर्क्स एंड एसएस राजामौली, देवक कट्टा, प्रवीण सतारू और इनके साथ ये डायरेक्ट करेगा ये पूरी सीरीज। तो यहाँ पे आपको राजामौली जी मिल रहे हैं, यानी कि आपको बाहुबली का वही फ्लेवर मिलेगा और वही आपको तेवर देखने को मिलेंगे जो हमारे को बाहुबली की दोनों मूवीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बाहुबली सीरीज तो हमारे को लगती है होने वाली है गजब। और आप बताइए क्या आप सोचते हैं, यहाँ पर बाहुबली तो वैसे ही हम बड़े फैन हैं और हमने इससे अच्छी मूवी आज तक नहीं देखी थी। यहाँ पर आप देखना है सीरीज के अंदर हमारे को क्या मिलता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आप इस सीरीज के लिए, इस सीजन्स के लिए क्या आप सब्सक्राइब करेंगे नेटफ्लिक्स को सिर्फ इन सीरीज को देखने के लिए, तो कमेंट के द्वारा बताइएगा जरूर। और क्या सोचते हैं कि ये कैसा होने वाला है। और आज की डेली डोज हम यहीं खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये डोज पसंद आए होंगे और ये न्यूज आपको अच्छी लगी होगी। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए लेटेस्ट न्यूज लेके आ सकें और आपको रूबरू करवा सकें हर एक चीज से। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट के द्वारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां बात करेंगे और डेली डोज की, और 5 बजे से मिलना ना भूलिएगा क्योंकि वहां हम लाएंगे PUBG का गेम प्ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। मैं था आपका दोस्त अमन सारडा, भारत माता की जय।